आपका स्वागत है। मैं वनवारीलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं हैक्स न्यूज के साथ C10 न्यूज। फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज के ब्लॉक मदनपुर में नया पंचायत सिरसा खास में शुक्रवार को पंचायत घर पर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रामीणों की विशेष मांग पर नया पंचायत सिरसा खास क्षेत्र में एक काना गौशाला के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए उचित भूमि शासन को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने समर्थन किया। वहीं अध्यक्षता कर रही ग्राम प्रधान राधा देवी ने कहा कि प्रदेश सरकार की काना गौशाला योजना इस तरह के गौवंश के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसी प्रकार नया पंचायत क्षेत्र में बनने वाली काना गौशाला से कई गौवंशों की दयनीय हालत में सुधार हो सकेगा। पंचायत घर पर आयोजित खुली बैठक में सेक्रेटरी राजकुमार यादव, ग्राम भूमि विकास समिति के सचिव नेत्रपाल व प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो देखते रहिए सिरसागंज से आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, ये आज मीटिंग हो रही है, सरकार की विशेष प्राथमिकता है गौशाला के लिए, तो एक काना गौशाला के लिए ग्राम पंचायत सिरसा खास में जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक हो रही है। और हमारे प्रधान जी की भी मांग थी कि हमारे इस ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन पर हफ्ता में एक दिन बैठक रख ली जाए, तो उसके लिए मैंने बृहस्पतिवार का दिन निश्चित कर दिया है, जिस पर लेखपाल, कमियो साहब, सब लोग हम लोग बैठेंगे और जनता की जो भी समस्या हो अपना यहाँ आए और उसका निराकरण किया जाए, इस संबंध में बैठक है। पंचायत भवन पर किस बात की मीटिंग हुई है? इस बात की मीटिंग हुई है कि सिरसा खास न्याय पंचायत की खास करके मांग थी कि एक बैठक की जाए और गौशाला भी बन जाए। तो आज गौशाला का प्रस्ताव पास किया है, तो कहाँ पे निर्माण होना है इसका, कहाँ पे जगह चाहिए? अभी जमीन हो यहाँ निकले, अभी जगह चयनित नहीं की, अभी जगह बिल्कुल नहीं, केवल प्रस्ताव बनाया गया है, केवल जो जनता की विशेष मांग पर।